तो बेटा आई होप सो सब लोग लास्ट मिनट सजेशंस देख ले यार, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले बेटा फिजिकल के ऊपर, ठीक है। काफी सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था, भैया वी आर नॉट दैट मच गुड इन केमिस्ट्री, ठीक है। एक बात सुनो बेटा, हमने पूरा यार कितना क्वेश्चंस कहां से आने वाले, कितना क्वेश्चंस आने वाले, कितना मार्क्स का आने वाले, पूरा लिख के रखे, ठीक है। अब बात यह कि अगर इसको सिर्फ फॉलो आउट करनी है एंड हमको पढ़ना है, दो काम है तुम्हारा। तुम्हारा क्या काम है? एक काम है कि मैं जो पीडीएफ जो मटेरियल तुमको मैं देने वाला हूं, ठीक है, तुमको वो पढ़ना है। एंड कहां से, कौन सी पार्ट से, कितना अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं फ्रॉम फिजिकल, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक कंपलसरी पार्ट के ऊपर आएगा। सिंपल सी बात है। तो भैया सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तीन चैप्टर अगर सही से पढ़ेंगे, इसका सम्स बनाएंगे, लास्ट 15 साल के पेपर को बना लेंगे, तो क्या मेरा फिजिकल निपटा जाएगा? क्या हम 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं? अगर मैं बोलता हूँ कि अगर तुम सही से हर एक काम करते हो सो यू कैन एबल टू स्कोर 23 मार्क्स एकदम कन्फर्म, ठीक है, एकदम कंफर्म। बट फॉर दैट रीजन तुमको थोड़ा बेटा मेहनत डालनी है, ठीक है। हम एक बार बात करते हैं कहां से क्वेश्चंस आ रहा है फिजिकल में एंड कितना क्वेश्चंस आ रहा है, राइट। कौन सी पार्ट से, कौन सी सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से क्वेश्चंस हम बना सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर फिजिकल के पार्ट, राइट। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है बेटा, सबके साथ शेयर करो, ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए में यार 5 मार्क्स का पेपर बनने वाला है, सेक्शन बी में यार 2 क्वेश्चंस आ गया बेटा, 2 मार्क्स का 4 मार्क्स आ गया, ठीक है। सेक्शन सी में यार 3 क्वेश्चंस आ गया, 3 × 3 9 मार्क्स हो गया। एंड सेक्शन डी में यार 1 सम्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, चाहे कोई भी पार्ट से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल गारंटी से, सॉल्यूशन से आने वाले 5 मार्क्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर 23 मार्क्स तो ऐसे ही आ रहा है आउट ऑफ 25, ठीक है। इसके साथ बेटा अगर तुम्हारे पास ये वाला बुक है तो अच्छा है, लास्ट मोमेंट में तुमको खरीदना नहीं है यार, मैं तुमको ये वाला बुक प्रोवाइड कर दूंगा बेटा प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज के अंदर, ठीक है। तुमको इस बुक से बेटा प्रैक्टिस करनी है, ये हैंडमेड बुक है, फिर हैंडबुक है फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। या फिर अगर तुम्हारे पास ये वाला बुक है, ये भी यार बहुत बढ़िया है, ठीक है, अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो तुमको बेटा प्रैक्टिस करनी है। भैया क्या प्रैक्टिस करनी है? हैंडबुक के अंदर बेटा लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 15, ठीक है, टू 20 ईयर्स का PYQs, अगर तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो बेटा फिजिकल में, तो बेटा इतना कर लो, 15 से 20 मार्क्स का सवाल बेटा बना ले, ठीक है। बनाओगे यार 3 से 4 बार अगर बनाओगे, फ्रॉम 3 to 4 times, ठीक है, लास्ट 15 इयर्स का या फिर लास्ट 20 इयर्स का सवाल, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर से तुम्हारा निकल जाएगा। इस बुक के अंदर बेटा चैप्टर वाइज दिया गया। अब तुम बोलोगे भैया मेरे पास तो नहीं है, क्या आप मेरे को प्रोवाइड कर दोगे, क्या आप करवा दोगे? हाँ मैं करवा दूंगा, चलो कहां पर करवाएंगे बेटा? प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज में मैं करवा दूंगा, 50% डिस्काउंट है, नीचे लिंक आ रहा है यार, उसको ले लो बेटा। उसके अंदर सारा PDF, सारा मटेरियल है, प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज भी हम बना रहे हैं, सोच रहे थे यार अगर तुम लोग चाहते हो तो, ठीक है। इसके साथ बेटा तुमको फिजिकल के अंदर और कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब यार टाइम एकदम नहीं है, ठीक है, अब मारना हमको है क्या प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज, जिसके अंदर बेटा हम ये 15 से 20 साल के पेपर को सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सॉल्व करेंगे यार, चाहे देख के करेंगे, ना देख के करेंगे, समझ के करेंगे, ना समझ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सॉल्व करेंगे। अगर 2-3 से 4 बार कोई सॉल्व कर लिया ना बेटा लास्ट ये 5 दिन में 6 दिन में, अगर तुम गधा भी होना यार, डोंट टेक इट सीरियसली, अगर तुम गधा भी होना यार तुम बना के आ सकते हो बोर्ड में, ठीक है, इतना इजी है, डोंट वरी। अब भैया बात करेंगे भैया ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का, अगर तुम चाहते हो भैया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात कर लीजिए, तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी बना दूंगा तुम्हारे लिए क्या करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट।